इन अटक अभी देखो, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है बताओ। हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। जो कंसेप्ट कल बताया था अपोजिट डायरेक्शन वाला, वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मैम 85 किलोमीटर पर आवर। 85। एक सेकंड। वेरी गुड बादल, सही है। चलो बताओ बाकी स्टूडेंट, बताओ जो स्पीड निकालोगे वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे पूछा है आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछा है। मैम 85 है क्या? 85 है, सही है। 85 सही है। चलो देखो क्या बोला है यहाँ पे। दो ट्रेन्स है, टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 125 मीटर। मतलब दो ट्रेन्स है, दोनों ट्रेन्स का जो लेंथ है वो 125 125 है। एक ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जा रही है 125 मीटर लेंथ, और दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ पे होगी 125 मीटर। दोनों 125 मीटर है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जब भी कोई भी दो ट्रेन क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में है, तब जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? दोनों ट्रेन का लेंथ होगा। दोनों ट्रेन का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेकिन दोनों ट्रेन का होगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या आएगा? 125 प्लस 125 हो जाएगा। लिख दो यहाँ पे 125 प्लस 125 इक्वल्स टू। अभी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन क्लियरली दिया है, तो हमारा जो स्पीड होगा वो ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा। ऐड होगा, सही है, ऐड होगा। अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी दो ट्रेन अगर जा रहा है तो उनका जो स्पीड होता है वो क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड में क्या लिख देंगे? दोनों का एडिशन, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही स्पीड है। वन ट्रेन इज रनिंग एट 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड में लिख देंगे 65 और ऐड होता है तो यहाँ पे प्लस। दूसरा जो स्पीड है ट्रेन का उसे हम एक्स अज्यूम कर देंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो। लेकिन ये जो दोनों का दोनों वैल्यू है वो क्या है? किलोमीटर पर आवर में है, और बाकी जो वैल्यू वो किसमें? देखो यहाँ पे दिया है मीटर में, और बाकी यहाँ पे देखो सेकेंड्स में दिया है। लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, लेकिन हम क्या कर देंगे? दोनों को ब्रैकेट में लिख किलोमीटर पर आवर को, और ये जो किलोमीटर पर आवर है उसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। दो महीने उड़ गया। चलो सही,
5/18 आ जाएगा, 5/18, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये स्पीड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सब स्पीड ही लिखा है। 5/18 से मल्टीप्लाई किया स्पीड को, अपने आप कन्वर्ट हो गया ऐसा हम सपोज कर देंगे, लेकिन जो अंदर वैल्यू है वो दोनों को दोनों क्या है, किलोमीटर पर आर, क्योंकि 65 अगर किलोमीटर पर आर है तो एक्स भी किसमें होना चाहिए, किलोमीटर पर आर में। बस हमने बाहर से कन्वर्ट किया है ऐसा दिखा है, लेकिन आपका जो एक्स का वैल्यू आएगा वो किलोमीटर पर आर में ही आएगा। इनटू क्या कर देंगे, टाइम, टाइम क्या दिया है हमें, 6 सेकेंड दिया है, तो टाइम लिख दो 6/125। मैम डिस्टेंस तो जो दिया है वो तो मीटर में है, तो फिर ये हम लोग ने 5/18 क्यों किया, क्योंकि मीटर, मीटर के साथ, हाँ मीटर सेकंड है, हाँ 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 मीटर और सेकंड है, सॉरी, हाँ 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 दोनों का एडिशन कितना होगा, 125 + 125 250 हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पे ब्रैकेट में है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, अगर एडिशन होता है तो हम कैंसिल नहीं कर पाते, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। 6 × 1 होगा 6 × 3 हो जाएगा 18, ठीक है। अभी यहाँ पे 5/3 बचा है, मतलब क्या बचा है, यहाँ पे 65 + x × 5/3। अभी ये जो 3 है ऊपर आएगा, 5 डिवाइड होगा, मतलब 250 × 3/5 = 65 + x। 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 × 3 कितना होगा, 150। और ये जो 65 है वो तो माइनस होगा ना, -65 तो क्या बचेगा बताओ, 85। लेकिन ये किसमें होगा, किलोमीटर पर आर, सब किलोमीटर पर आर में होगा, मीटर पर सेकंड में नहीं होगा, क्योंकि 65 है, 65 अगर किलोमीटर पर आर है, यहाँ पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये जो एक्स का वैल्यू आएगा वो किलोमीटर पर आर का आएगा, भले ही हमने बाहर से कन्वर्जन किया है लेकिन अंदर का जो वैल्यू है दोनों का दोनों किलोमीटर पर आर का ही होगा, तो यहाँ पे आएगा 85 किलोमीटर पर आर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है बोलो, राजेश्री क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन के एंड में आपने किलोमीटर पर आवर क्यों लिख दिया वहां यहाँ पे बोल रहे हो, पूछा है हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछा है, इसीलिए मैंने वहां पे किलोमीटर पर आवर लिखा। मैम बट हम लोग ने यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है ना, 65 + x को, लेकिन 65 क्या है, मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है, ये तो किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। हाँ अच्छा सही है, बाहर से हमने कन्वर्ट किया है लेकिन अंदर का वैल्यू क्या है, अगर ये 65 है, ये अगर किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो एक्स होगा वो भी तो किलोमीटर पर आवर में होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट ऐड कभी नहीं होगा, आपको कन्वर्ट करके ही ऐड करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली ऐड कर दें तो ये जो एक्स होगा वो क्या होगा, दोनों का दोनों किलोमीटर पर आवर है, बस बाहर से कन्वर्ट किया है जो हमें मल्टीप्लाई करना, मतलब वो ऐड करने के लिए बस हम लोग ने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, नहीं ऐड करने के लिए नहीं, देखो ये जो है वो मीटर में है, ये सेकंड में है, तो स्पीड किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई। मैम वो तो 65 वो प्लस एक्स क्यों लिया है वहाँ पर, एक्स मैम हम लोग को फाइंड आउट जो आपने ब्रैकेट में किलोमीटर पर हार में किया है वो क्वेश्चन में है या आपने बाद में लिखा था वो, एक सेकंड। हाँ बोलो आंसर, क्या डाउट था आपका,
मैम जो क्वेश्चन के एंड में किलोमीटर पर हार लिखा हुआ है ना, वो क्वेश्चन में ही है वैसा? मैंने वो आपके लिए दिया है, कभी कभी देते हैं ना क्वेश्चन कि हमें जो स्पीड चाहिए वो किलोमीटर पर आर में चाहिए, आपको जो ऑप्शंस मिलेगा वो सब किलोमीटर पर आर में मिलेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन में लिखो साइड में लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका जो ऑप्शन होगा वहां पे किलोमीटर पर आर में ही होगा ऑप्शन। मैम हाँ बोलो। ये 5/18 क्यों किया है, समझा नहीं आपने? कन्वर्जन ना, अभी देखो ये क्या है, मीटर वही नहीं समझ में, वो आप किलोमीटर है। 25 क्या है यहाँ पे देखो लिखा है मीटर, और 6 क्या है सेकंड है, तो हमारा स्पीड किस पे होना चाहिए, किलोमीटर पर आर में होना चाहिए। हाँ यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए स्पीड। हाँ मैम ठीक है, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया है बाहर से, लेकिन अंदर जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आर का है। हाँ मैम वही डाउट है कि किलोमीटर एंड मीटर पर सेकंड का वो समझ नहीं, एक्चुअली मतलब किलोमीटर पर आर निकालना है ना, तो आपने मीटर पर सेकंड का मतलब क्यों मल्टीप्लाई किया वो नहीं समझ रहे। क्योंकि बाकी सब वैल्यूज है, बाकी सब वैल्यूज किसमें है, अभी आप ये जो डिस्टेंस है उसको मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे क्या बताओ? हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चंस में स्पीड को कन्वर्ट करना है। टाइम अगर मिनट में दिया, मिनट का आप सेकंड में कर सकते हो, मिनट का आप आर में कर सकते हो, लेकिन ये जो डिस्टेंस है उसका कन्वर्जन नहीं करना आपको। ठीक है, डिस्टेंस है, आप क्या करोगे मीटर पर सेकंड में निकालने के बाद स्पीड जो आएगा वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम स्पीड, क्योंकि हमें कन्वर्जन का फॉर्मूला और जो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो पता है, जैसे हमने 5/18 किया है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस को क्यों कन्वर्ट करेंगे, डिस्टेंस को किलोमीटर में क्यों करेंगे बता? अगर मीटर पे दिया है हमारे लिए इजी है, वो इजी है ना कि हम पहले जो मीटर जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से जाए, उसके बाद स्पीड को लास्ट में कन्वर्ट कर दे, वो इजी है, या डिस्टेंस कन्वर्ट करो फिर टाइम कन्वर्ट करो उसके बाद स्पीड चाहिए वो स्पीड मिलेगा, वैसे क्यों करेंगे? समझा? वैसे नहीं करना है, जो जैसा दिया है ना इंफॉर्मेशन वैसा करो, उसके बाद स्पीड को तो लास्ट में वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, 5/18, 18/5 करना है और कुछ नहीं है उसमें। मैम हाँ बोलो। मैम फर्स्ट स्टेप बताइए ना एक बार, वो 65+x जो देखो लास्ट, मैम वो कुछ समझ नहीं रहा है x क्यों लिया। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो कंसेप्ट बताया था आपको स्पीड का, ठीक है, जो स्पीड का बताया था, ये जो अपोजिट डायरेक्शन होगा तब हमें ऐड करना है स्पीड को। ठीक है, जब दो ट्रेन होगा, दो अलग अलग स्पीड होगा, ट्रेन का स्पीड तो अलग अलग ही होगा, सेम नहीं होगा, तब हमें क्या करना है, जो दो अलग अलग स्पीड है उनको ऐड करना है, कब करना है, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा, जब सेम डायरेक्शन होगा तब माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, दूसरा स्पीड हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक्स अज्यूम किया, लेकिन पहला स्पीड तो पता है 65, वो किलोमीटर पर आर में है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को क्या किया, दोनों को साथ में कन्वर्ट कर दिया इंटू 5/18 करके, क्योंकि अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वो किलोमीटर पर आर का मीटर पर सेकेंड में। लेकिन अगर 65 जो है वो किलोमीटर पर आर में है और x जो वैल्यू है वो किसमें है, वो भी तो किलोमीटर पर आर में होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये किलोमीटर पर आर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो दोनों का एडिशन हम कभी नहीं करते, कभी करना भी नहीं होता, किलोमीटर पर आर का एडिशन होगा या तो मीटर पर सेकंड का एडिशन होगा। यहाँ पे अगर 65 किलोमीटर पर आर में दिया है और x का वैल्यू अगर हमें मिला है, तो ये x का वैल्यू मिला है कन्वर्ट करने के बाद का नहीं, अगर इसको आप 5/18 कर दे तो वो मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन x किसको अज्यूम किया था हमने, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर था ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाला x है उसका वैल्यू यहाँ पे आया, तो अगर 65 किलोमीटर पर आर में है तो 85 भी तो किलोमीटर पर आर में होना चाहिए, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू मिलेगा वो किसमें मिलेगा, किलोमीटर पर आर में डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को साथ करके, दोनों को साथ मिला के क्या किया है, डायरेक्टली बाहर लिख दिया है 5/18। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस x का जो अंदर ब्रैकेट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर में होगा, मीटर पर सेकेंड में नहीं होगा। और किसी को डाउट है बोलो। मैम
हाँ बोलो, टू ट्रेन ईच बोला इसीलिए 125 प्लस 125 किया है ना आपने। हाँ दो ट्रेन है, जब दो ट्रेन का दिया होगा दोनों का लेंथ है तो दोनों का एडिशन ही हमारा डिस्टेंस होगा। दो ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो दोनों का एडिशन ही करना पड़ेगा, चाहे सेम डायरेक्शन हो अपोजिट डायरेक्शन हो, दोनों का एडिशन ही होगा हमारा डिस्टेंस, इसीलिए ऐड किया है दोनों। बोलो और किसी को डाउट है? मैम हाँ बोलो, अगर क्वेश्चन में मतलब अगर टाइमिंग दिया रहता तो डायरेक्टली हम 65 मतलब प्लस टाइमिंग का जो भी रहता कर देते ना। हाँ डायरेक्ट कर देते। देखो जिगना जो स्पीड होता है ना, स्पीड का किलोमीटर पर आर का फॉर्मूला कब होगा, जब आपको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन हम यहाँ पे 5/18 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू करते हैं 5/18। अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं इनटू 18 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, चलो ठीक है। ट्रेन्स का और भी क्वेश्चंस है वो बाद में ले लेंगे, उसके पहले एक कंसेप्ट है। देखो व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, ठीक है, या तो सेम, जब हमारा जो डिस्टेंस है, आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि अगर डिस्टेंस सेम है इक्वल है, ठीक है, तब क्या करना है, जो आपका स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड गिवन होगा आपको, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा किसके, टाइम के। ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस सेम है आपको ऐसा दिया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, अगर स्पीड का रेशियो आपको दिया है 2:3 तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 3:2 आएगा। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक का रेशियो दिया है, अगर दूसरा पूछा है तो डायरेक्टली अपोजिट करना है, कब करना है, रेशियो निकाल के अपोजिट करना है, डायरेक्ट वैल्यू को नहीं करना है। वैसे यहाँ पे अगर 1:2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
2:1 वैसे ही टाइम का भी होगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्पीड, मतलब अगर टाइम दिया होगा 1:2 तो यहाँ पे भी स्पीड हो जाएगा 2:1। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट करना है, कब करना है, जब आपको दिया होगा कि डिस्टेंस इक्वल है, सेम है, डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टाइम आएगा, या तो समझ लो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्पीड, दोनों का, ये दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, दोनों एक ही है, सेम है मतलब। ठीक है, ये एक बार लिख लो। हो गया ना? नहीं मैम रुको, मैम मेरा इंटरनेट गया था। मैम आप वापस रिपीट कर सकते हो क्या? मेरा इंटरनेट गया था। अच्छा, जब डिस्टेंस सेम होगा, आपने लिख लिया पहले सबका? नहीं नहीं लिख लेती हूँ पहले। लिख लो फिर बताओ। ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है, ये ऐसा लेके मत बैठो, ये एग्जाम्पल दिया है। हाँ मैम, हो गया लिख के। अच्छा मैंने यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस जब सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कब, जब डिस्टेंस सेम होगा तब क्या करना है। अगर आपको बताया गया है क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है और आपको अगर स्पीड का रेशियो दिया है, या तो दो स्पीड दिया है, तो अगर स्पीड दिया है तो आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, तो उसका जो भी रेशियो आएगा, कोई भी रेशियो हो सकता है, तो अगर स्पीड का रेशियो आपको पता है तो टाइम का रेशियो अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली अपोजिट करोगे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, टाइम, मतलब डायरेक्टली उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2:3 होगा, अगर आपका स्पीड का रेशियो आया तो टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको टाइम गिवन है, टाइम दिया है, तो आप क्या करोगे, टाइम अगर 1:2 है या 3:4 है, तो आप क्या करोगे, टाइम जो दिया है उसका डायरेक्टली अपोजिट कर दोगे स्पीड का रेशियो 4:3 या तो 2:1, अपोजिट डायरेक्टली करना है, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, निभा समझा आपको? हाँ मैम। बट मैम ये वॉइस अटक रहा है आपका, क्या क्या बोल रहे हो? रेशो किस चीज का पर, रेशो किस चीज का है मैम, वो रेशो किस चीज का है, बट एग्जाम्पल दिया है। ओके ओके। हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम इससे पहले आपने बताया था, इससे पहले की क्लास में स्पीड टाइम डिस्टेंस पे, वहाँ पे टाइम जो भी दिया है तो स्पीड को आपने रूट में लेने बोला था,
टाइम 16 और 25 दिया था, स्पीड को आपने बोला था रूट 25 रूट 16 में लेने के लिए। वो लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताया होगा, लास्ट लेक्चर में बताया होगा, मतलब हाँ, लास्ट लेक्चर में स्पीड टाइम, हाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस लिया होगा तब, वो बहुत अलग कंसेप्ट है, वो दोनों सेम नहीं है, बहुत अलग है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, जब वो आएगा तब मैं वो बताऊंगी। वो आपको बताया था कि जब एक ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जा रही है और मिडल में कहीं पे मिल रही है, ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ से यहाँ पे जाएगी और दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जाएगी तब का वो आपको रूट में लेना है, तब रूट में लेना है, वो बहुत अलग है। ठीक है, वो बहुत अलग है। ओके मैम। When speed is same, अगर speed same है तो जो distance होगा और जो time होगा उसका ratio same है, same time के लिए भी है। When time is same तब क्या होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, स्पीड की रेशियो से। ठीक है, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम होगा, टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा। ठीक है, लेकिन अपोजिट कब होगा, जब डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड और टाइम अपोजिट होगा, टाइम सेम है स्पीड और डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड सेम है टाइम और डिस्टेंस सेम होगा। हो गया? Yes. यहाँ पे इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है वैसा कॉन्सेप्ट्स लेना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखो। अ मैन 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेस द डेस्टिनेशन इन 2.5 hours late. Find his usual time to reach the same destination.
आंसर आया किसी का? जिनका हुआ है उनका तो आना चाहिए था, जिनका पहले चैप्टर हुआ। 3 hours 45 minutes 3 hours 45 minutes पक्का 3 hours 45 minutes सही तो लग रहा है आपका आंसर। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ के बताओ, जो आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिया है वो वैल्यू में तो नहीं दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, डिस्टेंस सेम है या नहीं है बताओ, सब बताओ क्या लग रहा है, डिस्टेंस सेम है या नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ सेम है बताओ सब, डिस्टेंस सेम लिखा है ना यहाँ पे, सेम डेस्टिनेशन सेम डेस्टिनेशन, मतलब डिस्टेंस सेम होगा तो क्या होता है, तूफान आता है, टाइम एंड स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो बोलो बोलो ऐसे स्पीड, देखो स्पीड क्या होगा, याद रखने का कुछ ट्रिक है क्या, याद रखने का ट्रिक है ना, रोज डेली पढ़ो याद हो जाएगा मैम, वो ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो फॉर्मूला भी है ऊपर से भी आ गया, इसलिए बोला रोज डेली पढ़ो याद हो जाएगा, रोज डेली पढ़ोगे तो मेरे गारंटी रोज हो जाएगा, एक एटलीस्ट 1 month रोज रोज पढ़ो, रोज पढ़ो 1 month पढ़ो, सब कंसेप्ट पढ़ो, स्क्वायर पढ़ो, क्यूब पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, फॉर्मूलाज पढ़ो, रोज डेली प्रैक्टिस करो, मैथ्स का तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, 2 से 3 hours तो करना ही चाहिए, ठीक है। चलो, अ मैन 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेस द डेस्टिनेशन इन 2.5 hours, अच्छा 2.5 hours ये तो एक्चुअल वैल्यू है, ये तो एक्चुअल दिया है, लेकिन ये जो 3/5 दिया है वो तो रेशो में है ना, ये तो एक्चुअल नहीं दिया, मतलब उन्होंने रेशो हमें किसका दिया है, स्पीड का दिया है या टाइम का दिया है, स्पीड स्पीड का दिया है, स्पीड का रेशो गिवन है, अच्छा यूजुअल स्पीड और अभी जो स्पीड बढ़ाया हुआ है या तो कम हुआ है, वो स्पीड है, ठीक है मैम, डिस्टर्ब हो रहा है, यूजुअल स्पीड और अभी नाउ अभी का जो स्पीड है, ठीक है, तो अभी बताओ मुझे यहाँ पे हमारा रेशो क्या आना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन, ये जो दिया है यहाँ पे रेशो क्या आना चाहिए बताओ, 5:3 यूजुअल में आएगा 5:3 या 3:5 5:3 तो स्पीड घटा रहेगा तब भी तो लेट पड़ेगा, वहाँ पे क्या लिखा है कि लेट पहुंच रहा है वो 2.5 hours, तो स्पीड घटा रहेगा उसका, तो वो 3 रहेगा एंड यूजुअल 5 रहेगा, सही है, वैसे भी कर सकते हैं, या तो जब भी देखो अभी फ्रैक्शन में दिया है ना, तो अभी आप क्या करोगे, ऐसे मान लो यहाँ पे नाउ मतलब अभी का जो स्पीड है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बोला है 3/5 ऑफ का मतलब होता है इन टू यूजुअल स्पीड, तो यहाँ पे आएगा यूजुअल स्पीड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नाउ डिवाइडेड बाय यूजुअल स्पीड, अगर आपको नहीं समझ में आता इसीलिए बता रही हूं, अगर आपको पढ़ के समझ रहा है तो डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, 3/5 यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, यूजुअल मतलब पहले था, पहले कितना स्पीड था 5 था, अभी यहाँ पे मिल गया ना हमें रेशियो, नाउ मतलब अभी क्या स्पीड है 3 है, और यूजुअल मतलब पहले क्या स्पीड था 5 था, तो यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिया, 5:3 आया,
ठीक है, अगर नहीं समझता आपको पढ़ के तो आप ये मेथड से भी जा सकते हो, 5:3 स्पीड आया। अब जब डिस्टेंस यहाँ पे सेम डेस्टिनेशन बोला है तो डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम का रेशियो क्या आएगा, 3:5। डायरेक्ट उल्टा करना है, कब करना है, जब हमारा डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड दिया है 5:3, टाइम हो जाएगा 3:5। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बोला है देखो कि अ मैन 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेस द डेस्टिनेशन इन 2.5 hours लेट बोला है, लेट बोला है, यहाँ पे 2.5 hours नहीं बोला है, 2.5 hours लेट बोला है। इसका मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस दिया है, अगर लेट भी हो या तो अर्ली भी दिया होता तो भी दोनों का मतलब क्या है कि दोनों का हमें डिफरेंस दिया है, किसी एक का वैल्यू नहीं दिया कि इतना जल्दी पूछ रहा है, इतने टाइम में पूछ रहा है या इतना टाइम पहले पूछता था, ऐसे नहीं दिया। 2.5 hours के साथ क्या दिया है, लेट दिया है। 2.5 hours अर्ली हो लेट हो इसका मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस है। अभी हम देखेंगे हमारा रेशियो में कितना डिफरेंस है, देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस है, ठीक है, 2 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 2.5 hours, मतलब 2.5 hours को आप 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, और डिवाइडेड बाय जो है 2, मतलब 5/2 भी लिख सकते हो। तो ये जो 2 है उसका वैल्यू कितना है, 5/2 है। ठीक है, मैंने क्या किया, तो वो जो हम हमेशा करते हैं 2 + 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 × 2 = 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5/2, मतलब ये जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 5/2। ठीक है, उन्होंने बोला है यूजुअल टाइम चाहिए, यूजुअल टाइम मतलब ये वाला, मतलब 3 की वैल्यू चाहिए, यूजुअल टाइम में हमारा क्या वैल्यू आया, 3 आया है, अगर 2 का वैल्यू 5/2 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब 5/2 × 3/2 हो जाएगा, और ये 2 है मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब आप लिख सकते हो 3/2। समझा ये कैसे किया, बोलो 2 no. का वैल्यू 5/2 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 × 5/2 / 2 किया है, और ये जो 2/(1) होता है तो ये ऊपर जाता है तो उल्टा होके आएगा, मतलब यहाँ पे 2 आएगा डिवीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 3 कितना होगा, 3/4 hours हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो 3/4 है इसमें से जो ये वैल्यू है वो एक्चुअल आवर्स होता है, मतलब 3 hours तो हो गया। ठीक है, 3 hours मिल गया। अभी ये जो 3/4 है उसका क्या मतलब है, 4 parts में से कितना पार्ट है, 3 parts, मतलब ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक कितना मिनट्स होता है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिनट्स होगा, 45 minutes होगा ना। 3/4 मतलब 4 में से 3, मतलब ये पूरा का पूरा, अगर 4 है यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे आओगे 45 minutes, मतलब 3 hours 45 minutes हो जाएगा आंसर, ये होगा हमारा आंसर 3/4, मतलब 3 hours लिख दोगे, और ये जो 4 है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको 60 भी मान सकते हो, मतलब 4 का वैल्यू अगर 60 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी 45 ही आएगा। किसी को डाउट है बोलो। मैम एक बार रिपीट करो ना, नहीं समझा।
क्या कहा से नहीं समझा मम्मी मैम यहाँ 15/4 से 15 ये वाला अच्छा देखो 15/4 से डिवाइड किया है मैंने 15 को ठीक है डायरेक्टली डिवाइड तो नहीं होगा पहली बार और हमें पॉइंट में भी नहीं लाना है ठीक है हमें क्या करना है फ्रैक्शन में लाना है तो क्या कर देंगे 15 से पहले हम देखेंगे 4 के टेबल में क्या आएगा 12 आएगा 4 इंटू 4 16 होगा बड़ा वैल्यू होगा तो 4 इंटू 3 चाहिए तो वो 3 यहाँ पे लेंगे 4 इंटू 3 होगा 12 होगा तो 15 माइनस क्या कर दोगे 12 कर दोगे कितना बचेगा दोनों का डिफरेंस जो भी डिफरेंस मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू होता है ना तो वो आप क्या करते हो ऊपर लिखते हो जिससे नीचे वाला वैल्यू होता है तो जिसको मल्टीप्लाई करते यहाँ पे 4 इंटू 3 किया तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखोगे जो रिमेनिंग वैल्यू है वो यहाँ पे लिखोगे और जो डिविजन में वैल्यू है वो उसको एज इट इज रखते हो ठीक है मतलब 3/4 हो गया अभी ये जो 3 है डायरेक्टली लिख दो आवर्स ये 3 है पूरा का पूरा आवर्स हो गया लेकिन ये जो है वो मिनट्स में आएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो जो नीचे का वैल्यू है आप उसको क्या करोगे अगर 4 का वैल्यू 60 मिनट्स है तो 3 का वैल्यू क्या होगा मतलब आप क्या कर दोगे 60 × 3/4 यहाँ पे आ जाएगा 15 × 3 क्या हो जाएगा 45 तो लिख दो 45 मिनट्स मतलब 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स हो जाएगा आंसर मैम हाँ बोलो वो जो 3/5 है ना मतलब जो हम लोग ने वहां से डिसाइड किया कि यूजुअल 3 होगा और नाउ 5 होगा तो आपने ये ऐसे सिखाया वो क्वेश्चन पढ़ के एक बार पता ही ना मतलब लेट हुआ इसलिए ये वो अभी बादल या कोई तो बता रहा था हाँ ऐसा एक बार बताइए ना मतलब कैसे अंडरस्टैंड करने का हो अच्छा उन्होंने उन्होंने क्या बताया पता है उन्होंने भी रेशियो के मेथड से बताया देखो अगर आपको एक जगह पे जाना है ठीक है आपको अगर नॉर्मल स्पीड से जाते हो आपको लगता है 4 आवर्स ठीक है अगर नॉर्मल स्पीड से जाते हो आपको लगता है 4 आवर्स आपने स्पीड बढ़ाया तो आपको टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा कम लगेगा कम लगेगा आपने अगर स्पीड कम किया तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा ज्यादा लगेगा ज्यादा लगेगा तो वही यहाँ पे उन्होंने बताया वैसे सोच के ही बताया कि उनको क्या यहाँ पे क्या दिया है लेट दिया है ना 12 आवर्स लेट तो अगर वो लेट पहुंचता है कब लेट पहुंचेगा जब उसका स्पीड उसने कम किया होगा कम, हाँ, तभी तो लेट पहुंचेगा ना इसीलिए यहाँ पे जो अभी स्पीड है वो कम हुआ होगा इसीलिए यहाँ पे 3 आया यहाँ आया मैम यूजुअल मतलब पहले का ना हाँ यूजुअल मतलब नॉर्मली जो नॉर्मली जाता है या तो पहले जाता था तो उसके बाद तो ये कैसे पता चला मैम कि लेट अभी वाला है कि अभी लेट हो रहा है और यूजुअल में लेट नहीं हो रहा ये मैं नहीं कर पा रही हूँ नहीं नहीं अभी का ही देंगे वो आपको अभी का ही देंगे पहले का नहीं देंगे तो ऐसा देंगे क्वेश्चन में पहले का है ये अभी का ही दिया गया है मतलब अभी का रहेगा ना प्रेजेंट का हाँ प्रेजेंट का ही रहेगा सही मैम हाँ बोलो मैम डिफरेंस 2 वाला है पण ते 3 काय घेतलं म्हणजे काय म्हणजे काय ते टाइम घेतलंय का आपण हां युजुअल टाइम विचारला ना ओके ओके युजुअल टाइम 3 है ना ओके मैम ओके मैम सब मिक्स हो गया ब्रो समझ नहीं आ रहा और देखो ये फर्स्ट एक क्वेश्चन है ऐसा 2-3 क्वेश्चंस लेंगे ठीक है ऐसा 2-3 क्वेश्चंस और लेने वाले हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है फर्स्ट टाइम ऐसे ही लगता मैम मैम स्टार्टिंग का रेशियो का बताओ बहुत कंफ्यूजन है समझ रहे नहीं मैम इन्वर्शनली तो इन्वर्शन क्या बोल रहे हो मैम तुम्ही जे आता रूल सांगितलं तेच फॉलो केलं ना म्हणजे ते इन्वर्शन हां वैसे भी ये तो इन्वर्स होगा कब होगा जब डिस्टेंस सेम होगा ठीक है ये जो ये तो डिस्टेंस सेम होगा तभी करना है और ये जो आप रेशियो का बोल रहे हो यहाँ पे क्या बोला है 3/5 देखो वैसे भी अभी जैसे बताया वैसे भी आप अज्यूम करके भी डायरेक्टली रेशियो ले सकते हो उसमें भी कुछ गलत नहीं है क्योंकि तो अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम हुआ होगा इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा तो वैसे भी कर सकते हो कि अभी यहाँ पे रेशियो आपका 5 और 3 है अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे स्पीड कम होगा तो यहाँ पे 3 कम है 5 ज्यादा है मतलब पहले 5 था अभी 3 है वैसे भी कर सकते हो वैसे भी आएगा वैसे भी सही आएगा वैसे भी रॉन्ग नहीं आएगा अगर यहाँ पे अर्ली होता मतलब स्पीड बड़ा होगा तभी तो जल्दी पहुंचा होगा अर्ली होगा मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे 3 हो जाता यहाँ पे 5 हो जाता वैसे भी कर सकते हो और अगर वैसे नहीं जानना है तो यहाँ पे भी मैंने दिया है कि अभी का जो स्पीड है
वो कितना है 3/5 है, किसका 3/5 यूजुअल स्पीड का, तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा नाउ डिवाइडेड बाय यूजुअल स्पीड, और ये जो 3/5 है मतलब अभी का स्पीड 3 है और यूजुअल स्पीड 5 है, वो यहाँ पे लिखा है, वैसे भी कर सकते मैम। वो जो 3 और 5 का जो डिफरेंस है ना, तो वो क्या है 5/2 उसके बाद में, ये जो दिया है ना लेट, यहाँ पे 2.5 hours लेट दिया है, लेट का मतलब मैंने क्या बोला, लेट हो या तो अर्ली हो, डिफरेंस ही लेना, तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया, ये जो 2 है वो क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू अगर 5/2 है और हमें क्या पूछा यूजुअल टाइम पूछा है, तो यूजुअल टाइम क्या है हमारा 3 है, तो 2 का वैल्यू अगर 5/2 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्टली क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो अगर यहाँ पे पॉइंट में भी ले लेते हैं या तो 2.5 ले लेते तो भी रॉन्ग नहीं आता, ठीक है तो भी आ जाता आंसर, तो भी रॉन्ग नहीं आता, अगर आपको फ्रैक्शन से नहीं समझ रहा है पॉइंट से जाओगे तो भी चलेगा। सबका लिख के हो गया, बोलो। नो मैम एक मिनट लिखो, जो मैम फिजिकल क्लास कब से स्टार्ट होगा? फिजिकल क्लास आपका ब्रांच, ब्रांच का घाट को पर मैम, घाट को पर सुना है आपने, जिनके 2 डोज कंप्लीट हुए हैं वो फिजिकल लेक्चर्स के लिए आ सकते हैं, ओके ओके मैम, तो आ सकते हैं हम अभी, तो आ सकते हैं, अच्छा हो गया 2 डोज मैम। हाँ यस शीतल मैम। हाँ जी बोलिए मैम, ये इसको एक बार बताइए ना, 2 की वैल्यू 5/2 के इक्वल है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, इसका कैलकुलेशन कहाँ है मुझे वो भी नहीं दिख रहा है, कहाँ है नहीं दिख रहा है, नहीं कहाँ ढूंढो, कहीं तो मिलेगा, ढूंढो, चलो देखो बता दूंगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, ये आपके लिए यहाँ पे कर देती हूँ, 5/2 × क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है ये सही है, मल्टीप्लाई किया मैंने, हाँ, और ये क्या होता है डिवाइड होता है, तो यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है अभी यहाँ पे फ्रैक्शन में है वैल्यू नॉर्मल नहीं, तो यहाँ पे देखो 2 मतलब क्या होता है 2/1 होता है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं बताओ, 1/2 हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे इंटू क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ऊपर तो क्या होगा 5, हम लोग ये 5/2 के इधर लिखेंगे ना, कहां पे भी लिख दो चलेगा, अच्छा डिवाइड पूरा गायब हो जाएगा मैम, हाँ गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई किया 15 बाय, अच्छा इधर है, ओके हाँ इधर है, मिल गया अभी, हाँ मैम 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 हाँ बोलो, हेलो ये 45 मिनट्स का कन्वर्शन बताओ ना एक बार, मतलब 4 का वैल्यू आपने 60 पे, हाँ 60 क्यों लिया बोल रहे हो, हाँ 4 का वैल्यू मतलब बोला ना आपने 4 का वैल्यू 60 करके वो नहीं समझा, अच्छा देखो अगर आपका ये वैल्यू जो है ये 15/4 क्या था आर्स था ना, ये तो आर्स है क्योंकि ये आर्स दिया है, तो ये जो आएगा वो आर्स होगा ना, बोलो हाँ मैम आर्स, तो यहाँ पे जो 3 होगा वो तो आर्स में हो जाएगा, लिख दिया मैंने आर्स, यस मैम, ठीक है अभी यहाँ पे इसके बाद जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा वो आर्स में नहीं होगा, वो तो मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि आर्स होता तो नॉर्मल वैल्यू आता, चाहे वो 3 हो 4 हो 9 हो 10 हो 12 हो 15 हो, ठीक है लेकिन आर्स होता तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आ जाता, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन है तो आर्स के बाद जो होगा वो मिनट्स में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आर है ये जो 3/4 है उसको अगर आप आर
आर मानते हो तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको 60 मिनट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि आर के बाद तो मिनट आएगा, लेकिन आप 60 मिनट्स ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमें अभी आर हो गया, अभी मिनट्स देखना है। तो वन आर में कितना मिनट्स होगा, 60 होगा ना, तो ये जो डिवीजन में जो भी वैल्यू होगा आपको उसे 60 मिनट्स लेना पड़ेगा, ताकि आप ऊपर का जो वैल्यू है, मतलब ये क्या बता रहे कि 3 अगर पूरा का पूरा है तो 4 में से 3 मतलब 60 में से कितना मिनट्स होगा, वैसे वो बता रहे हैं कि अगर 4 में से 3 है तो 60 में से कितना मिनट्स होगा। तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना हम, क्योंकि हमें आज के बाद तो मिनट्स ही चाहिए, क्योंकि अगर ये आर होता तो पूरा का पूरा होल वैल्यू आएगा, इसे फ्रैक्शन में नहीं आएगा। समझा मैम, समझा। एंड मैम स्टार्टिंग का ये रेशियो का मेरे को समझा नहीं, मतलब आपने 3:5 क्यों नहीं लिया, मतलब स्पीड का 5:3 कैसे, मतलब वो नहीं समझ, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल लिखा है, यहाँ पे नाउ लिखा है ना। हाँ बट हम लोग रेशो में हम लोग कैसे, मतलब 3:5 दिया रहेगा तो फर्स्ट 3 लिखते और बाद में 5 लिखते ना, तो आपने 5:3 क्यों लिखा है स्पीड, मेरे को वो नहीं समझ रहे। अच्छा तो फिर यहाँ पे अगर मैं नाउ लिखूं और यहाँ पे यूजुअल लिखूं और फिर 3:5 लिखूं तो वैसा चलेगा? हाँ मैम चलेगा, मेरे को ये नहीं समझ, इस रेशो को नहीं समझ रहे। देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये मेथड बताया, ये मेथड इसीलिए बताया आपको। देखो उन्होंने बोला है अ मैन 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब यूजुअल स्पीड अगर आप मान लो कि 10 है, ठीक है 10 मान लो आप यूजुअल स्पीड, मान लिया हमने 10 है तो 10 का 3/5 कितना आएगा बताओ, 10 का 3/5 कितना आएगा बताओ, बोलो। यहाँ पे डिवाइड हो सकता है ना, क्यों मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। मतलब अगर यूजुअल स्पीड मेरा 10 है तो मेरा अभी का स्पीड क्या हो जाएगा, यूजुअल स्पीड 10 है तो अभी का स्पीड क्या हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड कर दो 5 और 3 आ जाएगा। देखो यूजुअल कितना आया 5 आया, अभी का स्पीड कितना आया 3 आया। उन्होंने बोला है 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड आप अजम्पशन भी कर सकते हो, कुछ भी अजम्पशन कर दो तो आपका दोनों का रेशो आ जाएगा, ठीक है बाद में बस डिवाइड कर दो। ऐसे रेशो से ऐसे नहीं कि मतलब 3/5 दिया तो 3/5 ही जाना है, वैसा नहीं होता है, वैसे नहीं करना है, हमेशा वैसे नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन हमें, मैं हमेशा बोलती हूँ जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा फिक्स पैटर्न मत रखो अपने दिमाग में, ठीक है जैसा क्वेश्चन हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन आप जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको डायरेक्टली सब वैल्यू नहीं देंगे, आपको वो समझना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन समझना सीखो, क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए, हमारे आंसर के हिसाब से क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक एक फिक्स पैटर्न पे मत चलो ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलती हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आपको डाउट नहीं आएगा, अभी आप पहली बार सीख रहे हो इसीलिए, अभी 4 to 5 months होगा ना तब आपको वो डाउट नहीं आएगा जो डाउट अभी आते हैं, क्योंकि तब तक आपने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा ऑलरेडी, तब आपको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो सब स्कूल में होता था ना कि मतलब चलो 3/5 दिया तो 3/5 ही लेना, वैसे नहीं अभी नहीं होता है, अभी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा। नहीं मैम स्कूल में ना ऊपर वाला पहले को देते थे और नीचे वाला दूसरे को देते थे, बस अभी ऊपर वाला नीचे वाला वैसे मत किया करो मैम, क्योंकि वो यूजुअल स्पीड का दिया है इसीलिए पहले यूजुअल स्पीड का रेशियो लिया ना 5। हाँ 3/5 ऑफ बोला था ना, ऑफ यूजुअल स्पीड बोला था, तो यूजुअल स्पीड अज्यूम करके भी करोगे तो भी 3/5 ही आएगा और कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, कुछ भी ले लो यूजुअल स्पीड, बस ऐसा पॉइंट में मत लेना, आप करके देखो चाहिए तो बाद में करके देखो, आपका रॉन्ग नहीं आएगा, 3/5 ही आएगा, 3/5 यूजुअल स्पीड का 3/5 बोला। चलो सेम टाइप का क्वेश्चंस और लेंगे हम, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। वॉकिंग एट 5/4 ऑफ हिज
यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस ट्वेल्व मिनट्स थोड़ा ठीक है चलेगा 12 minutes early. Find usual time. सिक्सटी मिनट्स आया है. किसका आया बताओ? मेरा. By the way, 60 तो सही लग रहा है मुझे. चलो बाकी स्टूडेंट सब ट्राई करो बताओ. मैम 60 आ रहा है. 60 आ रहा है. हाँ सही है. मैम 60 मिनट्स. 60 मिनट्स. मैम 60 मिनट्स. 60 मिनट्स. Yes, ma'am, 60 minutes. 60 minutes. आपका है? Walking at 5/4 of his usual speed. तो usual speed को क्या मानोगे? 5/4 में से? Four मानेंगे? अच्छा. तो 5 ही बचा है फिर. हो गया ना? 5 बचा है. चलो. ये हो गया स्पीड. यूजुअल स्पीड अगर 4 है तो अभी स्पीड क्या है? 5 है. तो टाइम क्या हो जाएगा?
4:5 हो जाएगा। अभी अर्ली बोले या लेट बोले क्या होता है, मतलब डिफरेंस ही होता है। ये जो 12 मिनट से वो डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस कितना है, 12 मिनट्स है। तो 4 का वैल्यू क्या आएगा, 1 का वैल्यू अगर 12 है तो 4 का वैल्यू क्या आएगा, 12 × 4 48 मिनट्स। अगर 1 का वैल्यू 12 है तो 5 का क्या जाएगा, 12 × 5 60 मिनट्स। और क्या पूछा है, फाइंड यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम है 60 मिनट्स, ये हो जाएगा आंसर। तो आपने नाउ इज टू यूजुअल क्यों लिया? हाँ तो और क्या लेंगे, यूजुअल मतलब पहले था, अभी क्या हुआ है। वो नहीं वैल्यू नहीं बोल रही हूँ मैं, रेशियो का, जो से लास्ट टाइम आपने बोला ना कि पहले मतलब यूजुअल का पहले रेशियो लिया फिर नाउ का लिया लास्ट सम में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, वो कुछ भी चलेगा ना, उसका कुछ ये नहीं है। हाँ हाँ मैम, अपने वो एक बताया ना, मतलब नहीं समझा तो ये 5/4 × usual time ऐसे ही, मतलब हर क्वेश्चन आए तो ऐसे ही यही इस पे ही जाना है ना, मतलब नहीं समझा तो चलेगा चलेगा, वैसे भी जा सकते हैं। मैम ये 16 मिनट्स का सम कैसे आया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 है ना। हाँ हमें डिफरेंस 12 दिया है, 1 का वैल्यू 12 है, 5 का क्या हो जाएगा, 12 × 5 क्योंकि हमें क्या पूछा है, फाइंड यूजुअल टाइम, तो यहाँ पे यूजुअल है यहाँ पे टाइम है, मतलब 5 का वैल्यू पूछा है, तो 1 का वैल्यू 12 है, तो 5 का क्या होगा, 12 × 5 मतलब 60 मिनट्स। और किसी को डाउट है, चलो रफ कर दो ये, yes. बाकी है। हाँ मैम। अच्छा लिखो लिखो। मैम एक दूसरा इसमें से आप होमवर्क के लिए देखेंगे तो शायद आ जाए हम लोग को जल्दी। नहीं और भी लूंगी मैं, ऐसा क्वेश्चन और भी है, ऐसा क्वेश्चन है, आ जाएगा। हो गया the speed of A and B are in the ratio 3:4 and A takes 20 minutes more than B to reach a destination in what time A will reach destination.
80 minutes. 80 नहीं, आर में बताओ, आर में 1 hour 20 minutes. सही मैम, इथे पण डिस्टन्स डिफरन्सेस येणार ना, मोर दॅन बरोबर, मोर दॅन म्हणजे डिफरन्स, मोर दॅन लेस दॅन आय हॅव का 1 hour 20 minutes. और बाकी सबका बताओ, मैम 80 आर में बताओ कितना आएगा, आंसर बताओ. 60 मिनट, सॉरी 1 hour 20 minutes. सही. हो गया मैम 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes, वेरी गुड. 1 hour. सेम टाइप है, कुछ भी अलग नहीं है. पहले दिया है स्पीड ए एंड बी का, यहाँ पे तो क्लियरली स्पीड दिया, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे. ए और बी का स्पीड कितना है, 3:4 है, और डेस्टिनेशन वैसे भी सेम ही है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा. और यहाँ पे जो लिखा है कि ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन, तो जब भी मोर देन होगा मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे देखेंगे हम कितना है टाइम, 1 है, 1 का डिफरेंस है, तो ए 20 मिनट्स ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा. और ए के बारे में पूछा, तो 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 4 का क्या होगा, 20 into 4 मतलब 80 मिनट्स हो जाएगा. अगर इसे हम कन्वर्ट करें आर में, तो 1 hour में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है, कितना बचेगा, 20 मिनट्स, मतलब 1 hour 20 minutes हो जाएगा. ये होगा 60 + 20 = 80 होगा, 80 मिनट्स होगा, या तो 1 hour 20 minutes, दोनों का मतलब सेम होगा. और किसी को डाउट है बोलो. नो मैम. रफ कर दूं, यस मैम.
Ride a bicycle at 8 km/h and reaches his school 2.5 minutes late. The next day, he increased his speed at 10 km/h and reaches school 5 minutes early. Then find how far is the school from his home. मैम नहीं आ रही है। 2 किलोमीटर चलो बताती हूँ। A student ride a bicycle at 8 km/h and reaches his school 2.5 minutes late. ठीक है। जब वो 8 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो उसे लेट होता है कितना 2.5 मिनट्स का लेट हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो यूजुअल टाइम हमेशा लगता है उससे एक्स्ट्रा 2.5 मिनट्स लगता है।
The next day he increased his speed. मतलब पहले 8 था, उससे क्या किया, increase किया, मतलब 10 कर दिया. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जल्दी पहुंच रहा है. मतलब जितना नॉर्मली टाइम लगता है उससे जल्दी पहुंच रहा है. अच्छा, मतलब हमें ये जो दिया है वो तो एक्चुअल तो नहीं है, क्योंकि इसके साथ लेट भी है, अर्ली भी है. तो यहाँ पे एक्चुअल नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल एक तो दिया है ना, जो हमारा स्पीड है दोनों जगह पे दिया है. तो पहले वो लिख दो, स्पीड पहले था 8, अभी हो गया 10. ठीक है, अभी हमें रेशो चाहिए पहले, क्योंकि देखो 150 नहीं, स्कूल से होम, होम से स्कूल होगा. मतलब क्या कि जो हमारा डिस्टेंस है वो तो सेम है. डिस्टेंस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका रेशो निकालेंगे. यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 4. यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5. 4:5 क्या होगा हमारा स्पीड. तो हमारा टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा. सेम 5:4 हो गया. अच्छा, यहाँ तक तो मिल गया. अभी देखो, अगर सपोज कर लो कि एक स्कूल से होम है, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से जाते हैं, वहां से ही हम यहाँ पे आएंगे. तो अगर एक डेस्टिनेशन है, वहां पे जाने के लिए अगर आपको सपोज कर लो 5 आवर्स लगता है, ठीक है, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा टाइम, बताओ. हाँ. तो अगर नॉर्मली 5 लगता है, तो अगर सपोज कर लो कम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है, 1 आवर कम लग रहा है, तो यहाँ पे 4 आवर्स लिख दिया. ठीक है, अगर हम स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो 1 आवर अगर ज्यादा लग रहा है, सपोज करो यहाँ पे 1 आवर ज्यादा लग रहा है, ये हो गया 6 आवर्स. ठीक है, तो अगर मैं पूछू पहले, ये जो है वो तो हमें पता ही नहीं है, जो हमारा ये 8 और 10 जो स्पीड है ना, वो इन दोनों का है. जब 4 आवर्स लगता है, 6 आवर्स, ये अजम्पशन है, ये वैल्यू मत मानो, ठीक है, अजम्पशन है, ये हमारा वैल्यू है. तो यहाँ पे अगर हमें नॉर्मली जो टाइम लगता है वो तो दिया ही नहीं है, पहली बात. दूसरा, हमें क्या दिया है, 8 और 10, जो हम जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तब हमें टाइम कम लगेगा. मतलब यहाँ पे टाइम हमें देखो रेशो में तो कम लग रहा है, यहाँ पे स्पीड कम किया तो यहाँ पे हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट दोनों भी नहीं है, स्पीड एग्जैक्ट दोनों भी नहीं है. मतलब ये 5 इयर्स का यहाँ पे कोई लेना देना है ही. मतलब हम जब डिफरेंस निकालते हैं टाइम का, यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस मिलेगा हमें टाइम का, जैसे 5 और 4, ये तो एक्चुअल नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस आ रहा है. तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो जब अर्ली आएगा और जब लेट आएगा, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, अर्ली और लेट दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. मतलब बताओ, जब अर्ली आता था तो कितना कम टाइम लगता था, 1 आवर का. ठीक है, यहाँ पे 7 पकड़ लो, कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे 7 पकड़ लो. यहाँ पे 1 आवर क्या लगता था, कम लगता था, जब स्पीड हमने कम किया तो हमें 2 आवर ज्यादा लगता था. ठीक है, तो ये कब होगा, अर्ली के लिए होगा, 1 आवर अर्ली पहुंचेंगे. ठीक है, कब, जब स्पीड बढ़ाएंगे, जब स्पीड कम करेंगे तो 2 आवर्स लेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे लेट है अर्ली है, वैसे यहाँ पे मैंने लेट और अर्ली ले लिया. अभी बताओ, टोटल अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं आर का, जैसे यहाँ पे 5 और 4 का 1 डिफरेंस निकाला है, तो टोटल डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 और 4 का, बताओ. 7 और 4 का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 3 आवर्स आ रहा है, 7 माइनस 4, 3 आवर्स आ रहा है, यहाँ पे 7 माइनस 4 कर दिया, 3 आवर्स आ गया. तो जब भी अर्ली और लेट होगा तब हमें क्या करना है, ये दोनों का एडिशन करना है. देखो यहाँ पे 2 आवर्स + 1 आवर्स, यहाँ पे भी तो 3 आवर्स आ रहा है ना. मतलब अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमें एग्जैक्ट टाइम की जरूरत यहाँ पे नहीं है. अगर अर्ली और लेट भी देते हैं हमें, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली दोनों का एडिशन, हमें टोटल डिफरेंस मिल जाएगा. क्योंकि यहाँ पे अगर 2 + 1 कर दो तो भी 3 आ रहा है, एक्चुअल टाइम जो लग रहा था 7 - 4 तब भी 3 आ रहा है, तो दोनों में भी 3 आ रहा है ना. चाहे अर्ली प्लस लेट को ऐड कर दो, या तो अर्ली में जितना एक्चुअल टाइम लगता था, लेट में जितना एक्चुअल टाइम लगता था, दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का मतलब सेम है. तो यहाँ पे जो है 5 और 4, यहाँ पे जो 1 वैल्यू आ रहा है, आप क्या करोगे, अर्ली और लेट है ना, अर्ली और लेट, तो अर्ली और लेट जब भी आएगा दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा. अर्ली प्लस लेट करना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल डिफरेंस मिलेगा.
अर्ली और लेट दोनों अपोजिट है तो अर्ली और लेट का एडिशन करोगे तो वो आपका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 2.5 मिनट्स लेट है, यहाँ पे 5 मिनट्स अर्ली है, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 7.5 मिनट्स हो जाएगा। लेकिन ये मिनट्स है ठीक है, लेकिन मिल गया ना हमें डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा अर्ली और लेट, ये अर्ली और लेट हम यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं निकाल रहे हो, आपको ये भी आएगा डाउट 5 माइनस 2.5 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों है वो डिफरेंस का डिफरेंस है ऑलरेडी, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। कि एक्चुअल वैल्यू हमें यूजुअल के लिए इतना टाइम लग रहा है या तो अर्ली होगा इतना टाइम लगेगा, वो नहीं दिया है अर्ली यहाँ पे। इसके साथ जो दिया है अर्ली और लेट वो ऑलरेडी एक डिफरेंस है समझा। अगर हमारे पास एक्चुअल टाइम होता, अगर वो बोलते 5 आवर्स जल्दी पूछ रहा है और 5 आवर्स लग रहे हैं यहाँ पे, लग रहे हमें 8 आवर्स, तो हम डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस ले लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं, यहाँ पे अर्ली पूछ रहा है वो बता रहे, एक्चुअल टाइम दिया ही नहीं है। तो अर्ली और लेट जब भी आएगा आपको डायरेक्टली ऐड करेंगे, तो वो उनका उन दोनों का जो एडिशन होगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आएगा 7.5 ठीक है। और पूछा क्या है हमें हाउ फार, अच्छा मतलब हमें डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अभी यहाँ पे दोनों का स्पीड तो है हमारे पास, अभी यहाँ पे अगर टाइम आया तो दोनों का टाइम तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक का ही निकालेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। दोनों का नहीं पूछा है तो दोनों क्यों निकालेंगे, फालतू में मेहनत नहीं करना है। डिस्टेंस पूछा है, स्पीड तो है हमारे पास, हम टाइम निकालेंगे, चाहे इसका टाइम निकालो या तो चाहे इसका टाइम निकालो, दोनों में से कुछ भी निकालो। यहाँ पे देखो 10 है तो ये ज्यादा इजी आएगा, तो यहाँ पे इसका टाइम निकालो, मतलब ये निकाल दो। 1 का वैल्यू अगर 7.5 मिनट्स है तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 × 7.5 कर दोगे 30 मिनट्स हो जाएगा, 30 होगा ना, बोलो बोलो 30 होगा कि नहीं, हाँ हाँ शांत हो बैठो, 30 मिनट्स हो गया। अभी 30 मिनट्स में आर में अगर कन्वर्ट करना, समझाने की आपने क्यों किया ये, क्या क्या ये आपने जो अभी किया ना ये किस किया, क्योंकि हमें टाइम मिले टाइम निकालने के लिए, क्या एग्जैक्ट टाइम मिले, एग्जैक्ट टाइम दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसीलिए अर्ली प्लस लेट आएगा, आप डायरेक्ट एड कर दोगे वही आपका डिफरेंस हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस लोगे और अर्ली प्लस लेट है तो आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। अगर अर्ली और अर्ली आता है तो दोनों को माइनस कर दोगे, लेट और लेट आता है दोनों को माइनस कर दोगे, अर्ली और लेट आता है दोनों को ऐड कर दोगे ठीक है। मतलब 1 का यहाँ पे डिफरेंस, 1 का वैल्यू डायरेक्टली 7.5 आएगा, इन दोनों का टाइम मिल जाएगा, लेकिन हमने क्या किया इसका टाइम निकाला। 1 का वैल्यू अगर 7.5 है तो 4 का क्या हो जाएगा 7.5 × 4 मतलब 30 मिनट्स। तो अगर इसको आर में कन्वर्ट करना है तो 30 मिनट्स को क्या लिखोगे आप, 1/2 लिखोगे ना, आर में कन्वर्ट करना मतलब हाफ आर हो गया ना, हाफ एन आर है ये, 30 मिनट्स मतलब अगर आर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 लिखोगे। और हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, तो अगर आप ये टाइम ले रहे हो तो आपको ये स्पीड लेना पड़ेगा, मतलब 10 लेना पड़ेगा, तो आप हाफ इनटू क्या कर दोगे 10। दोनों में से कोई भी टाइम ले सकते हैं क्या मैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो लेकिन उसका ही स्पीड लेना पड़ेगा। अगर आपने ये टाइम लिया है तो 8 को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपने ये टाइम लिया है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जिसका स्पीड है उसी टाइम से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है। दोनों में से ये भी लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, क्योंकि 10 क्या है स्पीड है और हाफ एन आर क्या है ये है टाइम, स्पीड इनटू टाइम की है, तो स्पीड इनटू टाइम मतलब 10 × 1/2 मतलब 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस किलोमीटर में होगा क्योंकि ये बाकी का जो वैल्यूज है वो आपका किस में है, किलोमीटर पर आर और किलोमीटर में, इसलिए ये किलोमीटर में हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स डायरेक्टली नहीं लोगे आप, क्योंकि ये जो 10 है वो किलोमीटर पर आर में है, तो टाइम होगा वो आर में ही होना चाहिए, तभी आपका एक्चुअल वैल्यू आएगा डिस्टेंस का। अगर आप मिनट्स लेते हो तो आपका रॉन्ग ही आएगा। अगर ये जो है 10 देखो यहाँ पे लिखा है किलोमीटर पर आर में है, तो हमारा टाइम किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, 30 मिनट्स को 1/2 हो जाएगा, डायरेक्टली हाफ होता है 30 मिनट्स मतलब, तो 1/2 लिख सकते हो।
इससे करोगे तो भी आपका आंसर 5 किलोमीटर ही आएगा। अगर ये टाइम लेके करोगे तो भी 5 आएगा, बस 8 से मल्टीप्लाई करोगे। मुझे बताओ ना, एक की वैल्यू 7.5 मिनट है, तो हम लोग 4 की वैल्यू निकालेंगे ना। 4 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थे, तो 7.5 × 4/1, तो उसका आंसर 35.4 आ रहा है मेरा। मुझे लगा उन्होंने 4 बोला ना आपने, 7.5 × 4। मैम मैंने 5 बोला था। अच्छा 5 नहीं, आंसर आपने 4 बोला था ना। हाँ मैंने 4 बोला था, तो मैं उनको 4 का बता रही थी, 5 का नहीं बोल रही हूँ मैं। इसका 30 ही आएगा ना, इसका हो सकता है, इसका तो अलग ही आएगा, 30 नहीं आएगा इसका। 37.5 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या करोगे, 37.5 ये मिनट्स है ना, तो आपको डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा इनटू 8, तो इसका वैल्यू भी आपका 5 ही आएगा। ये करके देख, ये स्पीड है और ये टाइम है, इसका भी 5 किलोमीटर ही आएगा। किसी को डाउट है बोलो। ये बस साइड में लिखते रखो, अर्ली प्लस लेट होगा तो जब डिफरेंस पूछा होगा दोनों का एडिशन, लेट और लेट दिया होगा तो दोनों को माइनस करना है, अर्ली और अर्ली दिया होगा तो भी दोनों को माइनस करना है। अगर अपोजिट होगा तो ऐड करोगे, अर्ली अर्ली होगा तो माइनस करोगे, लेट लेट होगा तो माइनस करोगे, तो ही आपका डिफरेंस आएगा, तो ही आप डिफरेंस उससे कंपेयर कर दो। मैम मेरा वो 30 मिनट आ गया और उसको मैंने हार में कन्वर्ट किया तो 1/2 भी आया, लेकिन उसके बाद ये आपका आंसर 5 किससे आया मैम? ये स्पीड आया ना 1/2, क्या आया स्पीड आया आपका, सॉरी टाइम आया आपका 1/2। हाँ मैम। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ फार बोला है ना, मतलब डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम अगर 1/2 है, स्पीड क्या हो जाएगा, ये 10, ये जो 10 लिखा है, 10 दिया है देखो यहाँ पे, समझा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तभी। मैं 5, लेकिन मैम 5 है ना, 5 नहीं है, 5 का तो 5 है ना स्पीड, नहीं वो रेशियो है, वो रेशियो है, एक्चुअल वाला लेना है, रेशियो नहीं लेना, रेशियो नहीं लोगे आप, ये वाला जो आप ले रहे हो वो भी तो एक्चुअल ले रहे हो ना, ये भी एक्चुअल ही लेना पड़ेगा, रेशियो से आंसर नहीं आता। जो क्वेश्चन में दिया है वो, हाँ क्वेश्चन में जो दिया है वो लेना पड़ेगा। ओके कब का लिख के हो गया मैम, वो आपने 1/2 कैसे लिया टाइम का, 30 मिनट्स मतलब कन्वर्ट कैसे करोगे, 30 डिवाइडेड बाय 60, अगर आपको मिनट्स में कभी भी आर को कन्वर्ट करना है, मिनट्स आपको दिया है और उसको आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे, ठीक है, कोई भी मिनट हो आपको आर में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 60 कर दो, जैसे यहाँ पे किया है 37.5 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, वहां पे भी 30/60 क्या हो जाएगा 1/2, मतलब हाफ एन आवर बोलते हैं ना, हाफ एन आवर 30 मिनट्स मतलब वही है। चलो रब कर दूं बाकी है, यस यस रब करो।
चलो स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हाउस टू स्कूल फाइव किलोमीटर पर आवर He is late by 30 minutes if he walks at 6 kilometer per hour he is late by 5 minutes. The distance fine distance from school to his home. Ma'am, distance 12.5 kilometer. 12.5. अच्छा ठीक है. Twelve point five, ma'am. ठीक है. मॅम इथे लेट आहे दोन्हीकडे तर ऍडिशनच होणार का लेट साठी काय सांगितलेलं मी अर्ली लेट साठी प्लस सांगितलं सेम रहेगा तो माइनस करेंगे सेम रहेगा तो माइनस कर देंगे अपोजिट रहेगा तो ऐड कर देंगे Late. Five. Divided by 2, 5.
चलो बाकी सबका आया? एक मिनट मैम, करो करो करो। वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड बादल, सही है। अच्छा ठीक है ठीक है। एवरीवन करेक्ट टाइम 2 आवर्स आ रहा है। करेक्ट टाइम भी जिनका हुआ है करेक्ट टाइम भी निकाल लो, क्योंकि हमें लेट का दिया है, दोनों लेट का दिया है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता है तो उसे करेक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या लगेगा वो भी निकाल लो। If a student walk from house to school at 5 km/h, यहाँ पे आएगा 5, speed दिया है, speed पहले है 5, उसके बाद है 6, तो यहाँ पे already ratio में ही है, तो यहाँ पे हम directly उल्टा कर देंगे time, मतलब 6:5 हो जाएगा, दोनों का difference कितना है 1 है, और जब भी late आएगा तब क्या करना है आप दोनों को 30 और 5, इन दोनों को क्या करना है, माइनस या प्लस? माइनस कर देंगे, 30 - 5 25 हो जाएगा, 1 था 25 मिनट्स हो जाएगा, दोनों मिनट्स में दिया है, तो एक कोई भी निकाल दो यहाँ पे 6, अगर 1 का वैल्यू 25 है तो 6 का क्या हो जाएगा, 25 × 6 हो जाएगा 150 मिनट्स हो जाएगा। अभी इसे अगर आर में कन्वर्ट करना है तो 150 / 60 कर देंगे, ये मिल जाएगा टाइम, इंटू क्या कर देंगे स्पीड, तब हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। तो 150 मिनट्स किसके, कौन से स्पीड के लिए, 5 km जो यहाँ पे दिया है, तो इनटू क्या कर देंगे 5, 0 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड कर दो 3 × 2 और 3 × 5 हो जाएगा 5 × 5 25 / 2 ये हो जाएगा 12.5 km, ये मिल गया हमें डिस्टेंस। अगर हमें एग्जैक्ट अगर टाइम निकालना है ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 150 मिनट्स उसे ये स्पीड से लग रहा है ठीक है, हमें करेक्ट टाइम अगर फाइंड आउट करना है, लेट नहीं होना चाहिए अर्ली भी नहीं होना चाहिए, अगर हमें करेक्ट टाइम फाइंड आउट करना है तो 150 मिनट्स कब लग रहा है, यहाँ पे जो 5 दिया है तब, देखो जब 5 km की स्पीड से जाता है तो ही इज लेट बाय 30 मिनट्स, 30 मिनट्स लेट मतलब ज्यादा लगता है, तो अगर हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, तो ये जो 30 है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 150 मिनट्स माइनस 30 मिनट्स कितना होगा 120 मिनट्स, 120 मिनट्स मतलब डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 60 कर दो 2 आवर्स हो जाएगा, ये होगा 2 आवर्स, मतलब हमारा एग्जैक्ट टाइम करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो दोनों। अगर आपने इससे किया है ये वाले से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट है 5 मिनट से, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका टाइम आया उसमें से 5 मिनट माइनस कर, तो आपका वहां पे आया होगा 125 आया होगा मैम, 150 / 60 के लिए, क्योंकि ये मिनट्स है ना, अगर मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, आज को मिनट्स को आर्स में कन्वर्ट करना तो क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60 करना होता है, इसलिए किया है, क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर पर आर में दिया है। अभी किसी को डाउट है बोलो मैम, वो टाइम इनटू स्पीड के जो इक्वेशन है वहां पे 150 डिवाइडेड बाय 60 क्यों किया, हमारा 150 क्या है, मिनट्स है ना, तो मिनट्स में कन्वर्ट करना है आर को, मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है 60, ओके मैम।
दिया लिख के सबका? यस अभी आपका जो ये टाइप है वो कवर हो गया है, लेकिन अभी तक टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, और भी टॉपिक बाकी है जो हमारा ट्रेन का होता है वो भी लेंगे, उसके बाद भी इसी से रिलेटेड और एक चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम वो भी लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में यही टॉपिक कंटिन्यू होगा, ठीक है? चलो बाय बाय स्टूडेंट्स। मैम बोलो आंसर। 150 को 60 से डिवाइड करके एक बार दिखाइए ना प्लीज। डिवाइड करके दिखाऊं? हाँ, इनटू 5 मत करिए। 150 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल, 3 इनटू 2 होगा 6, 3 इनटू 5 होगा 15, 5 बाय 2। समझा? ओके, मैं डायरेक्ट ना 60 से 150 कट कर रही थी तो अलग ही आ रहा है मेरा। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट मत करना। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम।